हेलो दोस्तों, एमआरसी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अफजल आलम। तो आज का जो हमारा वीडियो है, ये बहुत ही खास वीडियो है। रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में अपने मुख्य चार पार्ट्स होते हैं, जैसा कि आपको मालूम है, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व एंड इवेपोरेटर। तो आज जो हमारा वीडियो है ये कंप्रेसर रिलेटेड है कि कंप्रेसर का क्या काम है, ये कितने तरह के होते हैं, ठीक है, इनके कंप्रेसिंग जो कंप्रेसर जितने तरह के होते हैं उनके कंप्रेसिंग डिवाइस का क्या नाम है, तो ये सब हम जानेंगे। और कौन से फील्ड में यूज होते हैं ये, कहाँ, जैसे एयर कंडीशनिंग का तीन फील्ड में काम होता है, डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल, ये तीन फील्ड में काम होता है। तो हर एसी जो है सभी जगह इस्तेमाल नहीं होता है, सभी जगह यूज नहीं होता है। कोई डोमेस्टिक यूज के लिए होता है कंप्रेसर, तो कोई इंडस्ट्रियल यूज के लिए होता है, तो उसके बारे में भी जानेंगे, समझ गए। तो ऐसे तो हमारा जो कंप्रेसर है, देयर आर फाइव टाइप ऑफ कंप्रेसर, हमारा जो कंप्रेसर पांच तरह के होता है, ठीक है। तो एक एक करके हम सबके बारे में जानेंगे, और इसी बीच में हम आपको कुछ इंटरव्यू का भी क्वेश्चन हम तैयारी करा देंगे, जो आप कभी कोई आपसे क्वेश्चन करे या क्लाइंट क्वेश्चन करे तो आप उसको आसानी से बता सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन क्लाइंट कर सकता है इससे रिलेटेड, तो हम आपको बताएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं टाइप्स ऑफ कंप्रेसर, देयर आर फाइव टाइप ऑफ कंप्रेसर। तो फर्स्ट कौन सा कंप्रेसर है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। फर्स्ट जो है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को हम रखे हैं। ये कंप्रेसर हमारा बहुत पुराना मॉडल है, ये कंप्रेसर जो है ये बहुत पुराना कंप्रेसर है, और ये डोमेस्टिक यूज में भी होता है, कमर्शियल यूज भी होता है, इंडस्ट्रियल यूज भी होता है। अब देखे होंगे घर पे जो अपना ये रहता है, फ्रिज हो गया, वाटर कूलर हो गया, और अपना विंडो स्प्लिट, ये सब में भी ये कंप्रेसर आता है। फिर पैकेज हो गया, डीएक्स हो गया, उसमें भी आपका ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आता है, और आपका इंडस्ट्रियल एंड चीलर हो गया, तो चीलर में भी ये आपका आता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। इसका कंप्रेसिंग डिवाइस का नाम आपको बता रहे, कंप्रेसिंग डिवाइस का नाम इसका जो है पिस्टन। एक चीज और है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको बहुत कुछ जानकारी इसमें देखने को मिल जाएगा, सीखने को मिलेगा। तो इसका कंप्रेसिंग डिवाइस अगर आपसे कोई पूछता है तो इसका कंप्रेसिंग डिवाइस का नाम पिस्टन है, ओके। अब दूसरा आता है रोटरी कंप्रेसर। रोटरी कंप्रेसर ओनली डोमेस्टिक यूज में काम आता है, इसका स्प्लिट वगैरह में दो टन से ज्यादा का नहीं रहता है, समझ गए ना। ये आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, ये आपका कम कैपेसिटी से लेकर ज्यादा कैपेसिटी तक आपको कंप्रेसर इसका मिलता है, लेकिन ये जो है डोमेस्टिक यूज में ओनली इस्तेमाल होता है, इसका लास्ट 2TR तक ही आया है, ठीक है। और इसका कंप्रेसिंग डिवाइस हो जाएगा रोटर, ठीक है। थर्ड आपका है एस्ट्रोल कंप्रेसर, ठीक है ना। एस्ट्रोल कंप्रेसर भी ज्यादा कैपेसिटी का नहीं आता है, लेकिन ये 2TR to 25TR तक अवेलेबल है अभी फिलहाल। ये आगे चल के मॉडिफाई भी कर सकता है बीच बीच में, अभी तक तो इतना है, इसको ज्यादा भी बना सकता है। कंपनी हमेशा अपना कुछ चेंजेस करते रहती है, अपना जरूरत के हिसाब से उसको इंक्रीज करते रहती है। तो अभी तक इसको 25TR तक बनाया है। ये डोमेस्टिक यूज में हो जाता है और कमर्शियल यूज में भी आ जाता है, पैकेज वगैरह में भी ये आता है, यहाँ तक कि इसमें चीलर भी यूज होता है, छोटा चीलर, चीलर को भी इस्तेमाल इसमें लाया जाता है ये कंप्रेसर को। ओनली रोटरी छोड़ा करके, रोटरी छोड़ देंगे, बाकी सभी कंप्रेसर में चीलर यूज होता है। अगर आपसे क्लाइंट किसी तरह से पूछता है कि अपना रोटरी कंप्रेसर में चीलर यूज होता है कि नहीं होता, तो आपको सीधा बोलना नहीं है, क्योंकि 2TR का उसमें चीलर क्या यूज होगा, ठीक है ना। बाकी अदरवाइज सभी कंप्रेसर में यूज होता है। तो ये आपने देखा ये डोमेस्टिक एंड कमर्शियल, इसका भी रोटर ही है कंप्रेसिंग डिवाइस, ओके। आपका देखिए यहाँ पे तीन फिगर कंप्लीट हो गया, रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी एंड स्क्रोल। फोर्थ आता है स्क्रू कंप्रेसर, ओके। स्क्रू कंप्रेसर जो है ये इंडस्ट्रियल यूज के लिए बनाया गया है, स्पेशली सेंट्रल एसी प्लांट जिसको बोलते हैं, समझ गए ना। ये 150TR से 300TR तक इसका अभी रेशियो है, जो अभी इसको मॉडिफिकेशन किया गया है, 150TR टू 300TR तक टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन तक इसको किया गया। इसका कंप्रेसिंग डिवाइस का नाम जो है, इसका मेल और मेल रोटर, रोटर एंड फीमेल रोटर, ठीक है ना। इसका मेल रोटर और फीमेल रोटर दो होता है, समझ गए, इसमें लगा रहता है, इसको खोलने के बाद आपको मालूम चलेगा, दिखेगा। लेकिन आप इतना जानिए कि इसका कंप्रेसिंग डिवाइस का नाम मेल रोटर एंड फीमेल रोटर है, ठीक है। और ये इंडस्ट्रियल यूज के लिए अभी ज्यादातर यही यूज किया जा रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें अपना
लोडिंग अनलोडिंग का भी सिस्टम है, और ये जरूरत के हिसाब से अपना जितना रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, उस हिसाब से ये कंट्रोल होता है स्क्रू कंप्रेसर। तो स्क्रू कंप्रेसर एक पावर कंज्यूमर के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, पांचवा आपका सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, ये भी इंडस्ट्रियल यूज के लिए है। इंडस्ट्रियल यूज सेंट्रल एसी प्लांट, सेंट्रल एसी को ही बोला जाता है। ठीक है ना, ये 300 TR इसका मिनिमम है, मैक्सिमम इसका बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो 300 TR से तो इसका स्टार्टिंग है, तो 300 TR में ये डोमेस्टिक यूज तो होगा नहीं कहीं से भी, तो ये भी आपका इंडस्ट्रियल यूज के लिए है। इसका कंप्रेसिंग डिवाइस जो है इंपेलर, ओके, इसका कंप्रेसिंग डिवाइस का नाम जो है इंपेलर है। तो ये आपका हो गया, आपका ये पांचों कंप्रेसर जानकारी हो गया। अब लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंप्रेसर का काम क्या है, कंप्रेसर एक्चुअल में है क्या। कंप्रेसर एक मैकेनिकल डिवाइस है सिस्टम में, तो ये अपना जो भी रेफ्रिजरेंट हाई साइड से जो रेफ्रिजरेंट सक करता है लो से, उसको हाई में कन्वर्ट करता है, ये अपना कंप्रेसिंग डिवाइस के जरिए। तो ये जो कंप्रेसिंग डिवाइस जो हम लिखे ना, उसके जरिए ये इसको ये करता है। बहुत सारा अंदर मैकेनिकल पार्ट्स होता है, लेकिन मुख्य इसका जो कंप्रेसर का तीन काम है। अगर आपसे किसी ने पूछता है कि कंप्रेसर का क्या काम है, ठीक है ना, तो कंप्रेसर का आपको बताना है, कंप्रेसर का मुख्य तीन काम होता है, सक करना, कंप्रेस करना, देन आफ्टर डिस्चार्ज करना। ओके, सक करना, सक्शन लाइन से सक करता है, बाद में वो अपना कंप्रेसिंग डिवाइस के जरिए जो है उसको कंप्रेस करता है, देन आफ्टर उसको डिस्चार्ज करता है। तो उसका तीन ही काम है, सक करना, कंप्रेस करना, डिस्चार्ज करना। और आपका जो नेक्स्ट वीडियो जो है, नेक्स्ट वीडियो हमारा जो है आपका एक्सपेंशन वाल्व के रिलेटेड है। जानकारी हुआ, किसी तरह से कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, हम आपको उसको बारे में बताएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन से जरूर दबाएं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, नॉलेज मिला, तो आप वीडियो को एक लाइक भी कर दें। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सपेंशन वाल्व के बारे में बताएंगे, ऑलरेडी इसमें हम लिंक उसका डाल देंगे, और एक्सपेंशन वाल्व का वीडियो में मैं इसका लिंक इंक्लूड कर दूंगा। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो को भी देख लेने का। चलें फिर, आज का हमारा यही टॉपिक था कंप्रेसर रिलेटेड।